हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, एन एम्परर्स ड्रीम कम टू लाइफ इन 13th सेंचुरी रिजर्वियर होप्स टू रिस्टोर लास्ट ग्लोरी। तो क्या है, चलिए देखते हैं कौन सा एम्परर था, क्या था। होम टू मायरेट डायनेस्टी वन आफ्टर द अनदर, दिल्ली इज रिपोजिटरी टू इनडिनाइबल लेगेसी लेफ्ट बाय ईच ऑफ देम इन फॉर्म ऑफ वेरियस आर्किटेक्चरल मार्वल्स। वन सच लेगेसी इज अ हौज ए शमसी, अ प्रोजेक्ट विच वॉज सुल्तान इल्तुतमिश ड्रीम 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 कम ट्रू। तो ये इल्तुतमिश का ये प्रोजेक्ट था, हौज ए शमसी, सिचुएटेड इन मेहरौली नियर जहाज महल। हौज ए शमसी ऑल्सो नोन एज शमसी तालाब, शमसी तालाब इज अ वाटर रिजर्वियर बिल्ट बिटवीन 1211 टू 1236 AD। वंस स्प्रेड ओवर 100 हेक्टेयर का है। दिस वाटर बॉडी हैज श्रंक इन टू अ पैच ऑफ फिल्थी वाटर ओवर द ईयर्स। हाउ एवर, इन रिसेंट ईयर सम एफर्ट्स हैव बीन मेड टू रिस्टोर एंड कंजर्व इट, विथ ESI टेकिंग अप द टास्क ऑफ रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द मॉन्यूमेंट्स नियर द टैंक। ऑन फ्राइडे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऑर्गेनाइज जल इतिहास उत्सव। तो जल इतिहास उत्सव जल शक्ति ने किया। हेयर टू रेज पब्लिक कॉन्शियसनेस अबाउट सेफ गार्डिंग वाटर हेरिटेज साइट्स। अकॉर्डिंग टू PIB स्टेटमेंट डेटेड नवंबर 30, द रेस्टोरेशन वर्क ऑफ शमसी तालाब एडुकेटली रिफ्लेक्ट्स कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। इलेबरेटिंग ऑन द इल्तुतमिश कनेक्ट, ऑथर राना सफवी इन हर बुक वेयर स्टोन्स स्पीक हिस्टोरिकल ट्रेल इन मेहरौली द फर्स्ट सिटी ऑफ दिल्ली रोट, अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स सुल्तान इल्तुतमिश वॉन्टेड टू बिल्ड अ टैंक फॉर हिज पीपल। One night it was the Prophet Muhammad who came in his dream on his horse and instructed him to dig a water and build a water reservoir in a place marked by the hoof of his winged horse named Yurak. The Sultan went to look for the place and found the mark of hoof with the water flowing from it and built the reservoir around it. Safavi further wrote, Sultan Firoz Shah Tughlaq got it repaired and it was refilled with water. Even today there is water in it, although extremely dirty, and weeds choke the tank. The reservoir also founds mention in the work of famed traveler Ibn Battuta, who had described the Hawz e Shamsi as a rectangular shaped reservoir that was spread across the area of 1 mile by 2 mile. Speaking to the Hindu on the current state of reservoir, writer Sohali Hamsi said, "In the middle of a depression in the Shamsi Talab was a rock. Today, this rock is not in the middle of the lake anymore, but stands at a corner. This suggests that more than 50% of lake had been encroached upon." Author Swapna Liddell, in her book Historic Wall of Delhi, wrote, "The reservoir was an ambitious enterprise occupying a large area and fed by underground spring as well as stream. The pavilion you see across the tank from the Jahaz Mahal once stood in the middle of the water tank. The tank had a tendency of silting up and required repeated excavation, first by Alauddin Khilji and then by Firoz Shah Tughlaq." तो देखिए कितनी सारी चीज़ें इस टैंक के साथ हुई है, शमसी के साथ। तो इम्पोर्टेंट सबसे पहले हमारे लिए हो जाता है, आप देखिए, इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है हौज ए शमसी, हौज ए शमसी इम्पोर्टेंट हो गया। इसको शमसी तालाब भी बोला जाता है, इल्तुतमिश ने बनवाया था, ठीक है। और आप देखिए किसके बगल में है, जहाज महल मेहरौली, और आप देखिए दिल्ली बोल सकते हैं। अगर आप इसको इल्तुतमिश से बोल रहे हैं तो आप इसमें मैरिड अंपायर करिए, पता होना चाहिए क्या है, ठीक है।
उसके बाद से इसका मेंशन कितना था, कहाँ था? ऑल्सो मेंशनड बाय इवन बतूता। क्या बोला था इन्होंने? रेक्टेंगल, किधर गया आपका? रेक्टेंगुलर शेप रिजर्वियर, ठीक है, जो स्प्रेड है 1 से 2 माइलेज का। तो ये इबन बतूता ने बोला था, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बहुत है। इल्तुतमिश हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आपका दिल्ली सल्तनत अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाता है। हौज़ शमसी हो गया, ठीक है, इल्तुतमिश का ड्रीम कम ट्रू हो गया। शमसी तालाब बोला जाता है इसको, 1211-1236 में बना था, 1211-1236 AD में बना था, ठीक है। 100 हेक्टेयर का था, ये भी डाल दो, ये 100 हेक्टेयर का था, ठीक है। इसको रिस्टोर और कंजर्व करने के लिए काम हो रहा है। जल शक्ति का जल इतिहास उत्सव, ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा जल शक्ति का, जल शक्ति मिनिस्ट्री का जल इतिहास उत्सव, इसमें ये चीज आया है, हो रहा है, ठीक। और शमसी तालाब जो है इसका नाम है, इल्तुतमिश से कनेक्ट किया गया है। एक फर्स्ट सिटी ऑफ दिल्ली जो किताब लिखी है, उनने लिखा है कि ये टैंक अपने लोगों, फॉर पीपल बनाया गया था, किसके लिए? फॉर पीपल, फॉर पीपल, ठीक है। और इसमें प्रॉफिट मोहम्मद सपने में आए थे, तब उन्होंने बोला था, तो इन्होंने जाकर देखा वहाँ पे, सही में घोड़े का ऐसा जगह था, घोड़ा रुका था। फिरोज शाह तुगलक ने इसको वापस से ठीक भी करवाया था एक बार। और इबन बतूता का मैंने बात बता दिया, मेंशन हुआ था। और आप देखिए, लार्ज एरिया था, ठीक है, जहाज महल उसके बीच में था, बीच में स्टोन था, 50% ऑफ लैक, अलाउद्दीन खिलजी जो है और फिरोज शाह तुगलक। तो हम लोग इसको देखे, रिपेयर्ड बाय में देखे, तो एक तो खिलजी और सेकंड तुगलक, फिरोज शाह तुगलक हो गया और अलाउद्दीन खिलजी हो गया। और आप देखिए यहाँ पे कहाँ था ये फिरोज शाह तुगलक, रिपेयर, तो दो लोगों ने रिपेयर करवाया है, ठीक है। बीच में इसके एक स्टोन था, स्टोन एट द रेट मिडल, ठीक है, बिग स्टोन, अब वो कॉर्नर में चला गया है। तो ये शमसी तालाब, हौज शमसी, जहाज महल, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बारे में पढ़िए, खिलजी तुगलक के बारे में पढ़िए, इबन बतूता के बारे में पढ़िए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और बिल्कुल आएगा। और जल शक्ति जल इतिहास उत्सव में ये चीज़ हुआ है।